स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेसन, लेसन 17, एग्रीकल्चर इन इंडिया। बच्चों आप जानते हो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन वर्क है इंडिया का। एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एज वेल एज रियरिंग एन एनिमल। लैंड को, जमीन को कल्टीवेशन करके एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। फसल तैयार करनी, जमीन खेत को फसल के लिए तैयार करना। हम ये अपना एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पहले भी हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर क्या होता है, एक बार इसको और पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग इन इंडिया। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में और एनिमल्स रेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, रेयर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। मोर देन 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अर्न्स इट्स लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 70% इंडिया की जो जनसंख्या है वो अपना कमाई किससे कर रही है, एग्रीकल्चर के थ्रू, खेती बाड़ी के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो विच प्रोवाइड फूड फ्रॉम पीपल ऑफ अवर कंट्री। तरह तरह की फसल के द्वारा, खाने के द्वारा हम लोग पीपल ऑफ कंट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन विच प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑल्सो। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, कच्चा सामान बता देती है फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। काफ़ी उद्योग धंधों को, इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल कच्चा। द टू चीफ क्रॉप सीजन्स इन इंडिया आर राबी एंड खारिफ। जो हमारी टू मेन्स क्रॉप्स है, राबी और खारिफ। राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन अर्ली विंटर एंड रिपीट इन अर्ली समर। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द मानसून ऑफ रिपीट इन विंटर। इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर आप समझे बच्चों? ऐसी फील्ड तैयार करनी, हमारी 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ से अर्न कर रही है, एग्रीकल्चर से ही कर रही है। एग्रीकल्चर टाइप्स क्या है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स सबको दे, फूड आइटम्स पहुंचाते हैं लोगों तक। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स, एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल्स देता है इंडस्ट्रीज को। हमारी जो टू मेन चीफ क्रॉप्स है राबी और खारिफ, उनके लिए बताया गया है। क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कौन सी है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल। डिफरेंट पार्ट्स इंडिया में जो डिफरेंट जगह हैं, स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है और डिफरेंट ही सॉइल है, अलग अलग तरह का मानसून मौसम और मिट्टी है। सो द क्रॉप्स कल्टिवेटेड वेरी अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल। तो वहाँ की फसल और भी खेतीबाड़ी भी उधर की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप ही चलती है। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो इंडिया की फसल है उसको दो भागों में बांटा गया है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स विच हैज़ ग्रोन मेनली द ऑर्बिटिंग फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। वो क्रॉप्स, वो फसल जो मेन तरह से हमें क्या देती है, फूड देती है, खाने का सामान देती है, उसे हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स आर कौन कौन सी है, वीट, गेहूँ, मक्का, दाना, दालें, चने, ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स आर मेनली यूज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल। मुख्य भोजन है ये, जो ऐसी फसलें हैं उनका मेन क्या है, वो मुख्य भोजन इन लोगों का है। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, रॉ मटेरियल देती है। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर ऑर्बिटिंग रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज को देते हैं, उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है। दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो आपको पता चला बच्चों कि किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो करती है इंडिया में, तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स वो है जो मेन हमारा भोजन है, जो हमारा स्टेपल डाइट है,
इन ये कौन कौन सी हैं, वीट है, राइस है, मेज है, मिल्ट है, पल्सेस है, इन सब से क्या होता है हमारा स्टेपल डाइट, हमारा मुख्य भोजन है ये सब। और कैश क्रॉप्स क्या है, कैश क्रॉप्स विच आर ग्रोन मेनली फॉर ऑर्बिटिंग रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान देते हैं इंडस्ट्री को वो कैश क्रॉप्स होती है। कौन कौन सी होती है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, इनसे क्या होता है, दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो बच्चों आज का आपका असाइनमेंट क्या है, बहुत ही ईजी है, आपको द टू चीफ क्रॉप बतानी है, इंडिया की टू चीफ क्रॉप और मेन क्रॉप्स इंडिया की बतानी है, टू चीफ क्रॉप्स बतानी है और मेन क्रॉप्स बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय।